बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं और मेरी जो भी मिस्टेक है उसको भी पॉइंट आउट करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली वीडियो में करियर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बताया, उसके बाद मैंने आपके साथ मेट्रिक स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ शेयर की कि उनके लिए कौन सी फील्ड उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक अच्छी होगी। अब मैं तीसरी वीडियो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फ्री मेडिकल और फ्री इंजीनियरिंग की है या आईसीएस या आईकॉम की है। उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अगर प्री इंजीनियरिंग अगर आपने चूज़ की है तो अब नेक्स्ट मंथ में ईटा हो रहा है तो आपने उसमें अफेयर होंगे, उसके लिए आपने तैयारी की होगी। अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया है वो एमसी की तरफ से जो टेस्ट लिया जाता है वो उसमें बैठेंगे और वो अगर क्लियर करेंगे तो कल वो मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स के लिए और इसी तरह आईसीएस वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में उनके जो टेस्ट होते हैं वो उसमें अफेयर होंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो भी हैं अगर वो ईटा और आजकल उसको पीएमसी के जो टेस्ट हो रहे हैं वो क्लियर नहीं करें तो उनके लिए फिर कौन से फील्ड्स हैं वो मेडिकल के लिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर वो इंजीनियरिंग की टेस्ट क्लियर नहीं करते मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तो वो कहाँ पे जाएंगे, तो उन सब के लिए मैं अगली वीडियो में उनके लिए मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से करियर के हवाले से मैं बातचीत करूँगा उनको, उनके फील्ड से उसको मैं वो तमाम चीज़ें बताऊँगा मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में कि आज के अगला दौर किस चीज़ का है, आने वाला 10-15 साल कौन सी ऐसी फील्ड है अगर उसमें आप जाएं उसको अच्छी तरीके से आप क्लियर कर लें, अपनी माइंड सेट उसमें क्लियर कर लें, उसके हवाले से कुछ इंटर्नशिप कर लें तो वो चीज़ आपको पैदा देगी। उन तमाम चीज़ों पे सॉरी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी और तमाम फील्ड्स के बारे में मैं ए टू सेट आपको बताऊंगा। मेडिकल में जो भी फील्ड्स हैं वो BDS है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, बायोकेमिस्ट्री है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।